लगता है कि बाद एक झटके खाने के बाद भी नेपाल सुधर नहीं रहा है। तो वहीं हाल ही में लद्दाख क्षेत्र में चीन के सीमा विवाद की तरह ही एक विवाद को जन्म देने की तैयारी में नेपाल जुट चुका है, जहां नेपाल अतिक्रमण कर रहा है। ये हालात तब हैं जब कोरोना काल में भारत ने दिल खोलकर नेपाल की मदद की है, लेकिन एहसान फरामोश नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक ऐसे ही विवाद को नेपाल ने जन्म दिया है। अपनी इस वीडियो में हम वही विवाद दिखाने जा रहे हैं, बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नेपाल निकला एहसान फरामोश, भारत को दिखा रहा आंखें। कोरोना काल के दौरान भारत ने नेपाल की दिल खोलकर मदद की, तो वही कोरोना वैक्सीन की खेप को भी नेपाल तक पहुंचाया। लेकिन लगता है कि चीन के हाथों खेलने वाले नेपाल ने अपनी फितरत दिखानी शुरू कर दी है, क्योंकि इतनी मदद के बदले नेपाल ने एक विवाद को जन्म दिया है। एक ऐसा विवाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल को अतिक्रमणकारी घोषित कर सकता है। दरअसल भारत और नेपाल के बीच एक खाली जगह है जिसे नो मैंस लैंड कहा जाता है, जहां ना भारत किसी भी तरह का निर्माण कर सकता है और ना ही नेपाल किसी भी तरह का निर्माण कर सकता है। लेकिन इंडो नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड पर नेपाल के अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। विवाद बढ़ने के बाद भारतीय प्रशासन ने नेपाल प्रशासन से नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण करने पर नाराजगी जाहिर की है। ब्रह्मदेव मंडी नेपाल से लगे नो मैंस लैंड में नेपाल की ओर से पुलिया निर्माण के लिए जेसीबी मशीन से खुदाई के काम को प्रशासन ने रोक दिया है। इस दौरान नेपाल प्रशासन ने भारतीय मीडिया को कवरेज भी नहीं करने दिया। वहीं भारतीय प्रशासन से नेपाल के अधिकारियों ने दो दिन में अतिक्रमण हटाने की बात कही है। भारतीय प्रशासन नेपाल द्वारा अतिक्रमण न हटाने पर आगे की कार्रवाई की तैयारी में है। शारदा बैराज के पास भारत और नेपाल के बीच नो मैंस लैंड पर नेपाल की ओर से अतिक्रमण के बाद भारत और नेपाल के अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र का निरीक्षण किया। बाद में दोनों देशों के अधिकारी समस्या का समाधान निकालने के लिए एक टेबल पर बैठे, लेकिन तात्कालिक हल नहीं निकल पाया। हालांकि वार्ता के दौरान नेपाल के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने के लिए एक दिन का वक्त मांगा है। भारत नेपाल सीमा के नो मैंस लैंड पर कब्जे की फिराक में था नेपाल। दरअसल ये सब इतनी तेजी से अंजाम दिया गया कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। रविवार की शाम ब्रह्मदेव मंडी नेपाल से लगे नो मैंस लैंड में नेपाल की ओर से पुलिया निर्माण के लिए जेसीबी मशीन से खुदाई का काम किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ही नेपाल की संस्था परामर्श केंद्र का काउंटर भी लगा दिया गया। सूचना के बाद बैराज पर तैनात एसएसबी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने अतिक्रमण रुकवा दिया। मंगलवार को एसडीएम हिमांशु कफिल्टिया की अगुवाई में भारत से अधिकारियों का दल नेपाल के अधिकारियों से वार्ता के लिए घटनास्थल पर पहुंचा। काफी देर तक चली वार्ता में कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया। नेपाल से अधिकारियों ने अपने उच्च अधिकारियों से विमर्श का हवाला देते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए एक दिन का समय मांगा है। भारत के अधिकारियों ने कहा कि एक दिन बाद नो मैंस लैंड के अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वार्ता में सीईओ अविनाश वर्मा, एसएसबी 57वीं वाहनी के कमांडेंट सुबेंद्र अंबावत, नेपाल एपीएफ के इंस्पेक्टर नीरक बहादुर शाही, ब्रह्मदेव चौकी प्रभारी डीएस बुडाल मौजूद रहे। मंगलवार को भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच हो रही वार्ता को कवर करने का ही भारतीय मीडिया को नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों ने रोक दिया। कवरेज से रोके जाने पर पत्रकारों ने विरोध भी जताया, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। टनकपुर प्रशासन ने मामले की रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को दे दी है।